इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। मर्यादा है कोई वादा है, विश्वास रखा है इसमें। सात फेरों से मिला ये तो उपहार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है। मंगलसूत्र, 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 मंगलसूत्र। ठीक है, अब रितिका के बारे में हर खबर मैं तुम तक पहुंचाऊंगा। हम सॉरी, आपको जो कुछ भी करना है आप कर सकते हैं, लेकिन मैं कायर बनकर नहीं बैठ सकती हूं। मेरा आशीर्वाद रितिका के साथ है, आप देख लीजिएगा, वो सच्चाई एक न एक दिन सामने लाकर रहेगी। कोई सच्चाई सामने आने वाली नहीं है साक्षी। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे और मेरे बीच कुछ तो ऐसा है जो छुपा हुआ है। फिर भी अगर तुम ये सोचना चाहती तो सोचो, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या बात है, चेहरे पे 12 क्यों बजे हैं? साक्षी, आज मजाक नहीं। क्यों, आज कोई खास दिन है क्या? साक्षी, हर बात का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। कुछ मामले ऐसे होते हैं जो जिंदगी से जुड़े होते हैं, और जिंदगी का मजाक इस तरह नहीं उड़ाया जाता। माय गॉड, ऐसा लगता है कि बात कुछ ज्यादा ही सीरियस है। अच्छा, अब ये बता तो दे, कैसी कौन सी बात है जिससे तेरे चेहरे की मुस्कुराहट छीनी हुई है? साक्षी, सच सच बताना, क्या तुम राहुल को जानती हो? तुम्हारा राहुल का नाम सुनकर इसके तरह हैरान होना इस बात का सबूत है कि तुम राहुल को जानती हो। क्या पागल हो गई हो दिव्या? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये मेरे सवाल का जवाब बिल्कुल नहीं है। कैसी बातें कर रही है, राहुल ही सिर्फ एक लड़का थोड़ी ना है जिसे हर कोई प्यार करता है, जिसे तुम प्यार करती हो, जिसे मैं प्यार करती हूँ। ये सब घुमाने फिराने वाली बात है साक्षी, सच सच बताओ, क्या ये सच नहीं है कि तुम राहुल से प्यार करती हो? कैसी बातें कर रही है? अरे दिव्या, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ ना कि मैं रोहित के साथ शादी करने के लिए अग्री हो गई, तो जाहिर है कि मैं उसी से प्यार करती हूँ ना। तुम झूठ बोल रही हो। अरे मैं भला तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी, और तुम्हारे दिमाग में ये बात आई कैसे? मैं बस एक ही बात जानती हूँ, तुम राहुल से प्यार करती हो, और राहुल सिर्फ तुम्हारा है। अब जुबान पे सच्चाई आ ही गई ना, यही वो वजह है ना कि
कि तुमने खुद को राहुल से अलग कर दिया। नहीं दिव्या, पहले तो तुम बार बार कहा करती थी कि तुम किसी से प्यार किया करती हो और उसके बारे में बाद में बताओगी, पर अब जब मैंने तुम्हें अपने बारे में बता दिया कि मैं अपनी दीदी की देवर से प्यार करती हूँ जिसका नाम राहुल है, उसके बाद तो तुमने मेरे लिए अपनी राह ही बदल दी और मुझे मुझे इस बारे में कभी पता नहीं चलता। अगर दीदी मुझे नहीं बताती कि उन्होंने तुम्हें राहुल के साथ देखा है। देखो दिव्या, बात को आगे बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। आज की सच्चाई यही है कि राहुल तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। लेकिन क्यों साक्षी, क्यों? मैं राहुल से प्यार जरूर करती हूँ, लेकिन इस बात को तुम अच्छी तरीके से जानती हो, शायद मुझसे ज्यादा अच्छी तरीके से जानती हो कि राहुल मुझसे नहीं तुमसे प्यार करता है, सिर्फ तुमसे। अगर उसके दिल में मेरे लिए जरा सा भी प्यार होता तो उस दिन दीदी के साथ शादी करने से इनकार करने से पहले वो दीदी को सब कुछ बता चुका होता कि वो मुझसे प्यार करता है, पर उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। एक बात सुन लो साक्षी, मैं तुम्हारा प्यार लूटकर अपना दामन खुशियों से नहीं भर सकती। तो क्या तुम्हारी खुशियां लूटकर मैं अपना दामन भर लूं? एक बात सुन लो साक्षी, मैं तुम्हारा प्यार लूटकर अपना दामन खुशियों से नहीं भर सकती। तो क्या तुम्हारी खुशियां लूटकर मैं अपना दामन भर लूं? नहीं दिव्या, मैं जिंदगी भर पछताती रहूंगी कि मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड की खुशियां लूट ली। मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। आज का सच यही है कि मैं रोहित की हूं और राहुल सिर्फ तुम्हारा है। इस सच को कोई नहीं बदल सकता, कोई भी नहीं। आज का सच यही है कि मैं रोहित की हूं और राहुल सिर्फ तुम्हारा है। और इस सच को कोई नहीं बदल सकता, कोई भी नहीं। साक्षी, सच सच बताना, क्या तुम राहुल को जानती हो? क्या ये सच नहीं है कि तुम राहुल से प्यार करती हो? मैं राहुल से प्यार जरूर करती हूँ, लेकिन इस बात को तुम अच्छी तरीके से जानती हो, शायद मुझसे ज्यादा अच्छी तरीके से जानती हो कि राहुल मुझसे नहीं तुमसे प्यार करता है, सिर्फ तुमसे। एक बात सुन लो साक्षी, मैं तुम्हारा प्यार लूटकर अपना दामन खुशियों से नहीं भर सकती। जिस बात को मैं छुपाना चाहती थी आखिर वो सच्चाई सामने आ ही गई। लोग सच ही कहते हैं, सच्चाई कभी नहीं छुपती।
लेकिन मुझे नहीं पता था कि राहुल और मेरी सच्चाई इस तरह सामने आएगी। आखिर रितिका भाभी ने हम दोनों को कब देखा? उन्होंने तो मुझसे इस बात का जिक्र तक नहीं किया। साक्षी, अकेले में क्या सोच रही थी? कुछ भी नहीं भाभी, कुछ नहीं। तुम्हें पता है मेरे घर में सब लोग तुम्हें बहू बनाने की सोच रहे हैं, और शायद रोहित भी तुम्हें पसंद करता है। वेल, मम्मी पापा इस बारे में मेरी सलाह लेना चाहते थे, लेकिन मैंने अभी तक उनसे कोई बातचीत नहीं की है, क्योंकि रोहित तुम्हें पसंद करता है, तुम्हें प्यार करता है। और सही बताऊं साक्षी, तो मैं भी थोड़ी सी परेशान हूं। क्योंकि जो कुछ भी मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूं, उससे अलग ये बात मैं कैसे यकीन करूं इस पर? मैं कुछ समझी नहीं भाभी। समझी नहीं या समझना नहीं चाहती हो? मैंने तुम्हें राहुल के साथ देख लिया था साक्षी। समझी नहीं भाभी। समझी नहीं या समझना नहीं चाहती हो? मैंने तुम्हें राहुल के साथ देख लिया था साक्षी। और तब से मैं ये सोच रही हूं कि तुम राहुल से प्यार करती हो। लेकिन आज ये जानने के बाद कि रोहित तुमसे शादी करना चाहता है, और मेरे फैमिली मेंबर्स भी इस बात के लिए मन बना चुके हैं, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। हर सवाल का जवाब आसान नहीं होता भाभी, इसीलिए मैं सवाल पूछने नहीं आई हूं। मुझे ये जानना है साक्षी कि कल मैंने जो देखा था वो सच था, या आज जो बात सुन रही हूं वो सच है? गुजरा हुआ कल आज का सच नहीं बन सकता भाभी, और इसीलिए आज के सच को ही सही मायने में सच माना जाता है। यानी तुम रोहित से प्यार करती हो? लेकिन साक्षी, मैंने तुम्हें जो राहुल के साथ देखा था उसका क्या मतलब हुआ? कुछ चीजें जो आंखों को नजर आती है वो कभी कभी आंखों का धोखा हुआ करती है। ये सच है कि मैं राहुल को जानती हूं, मेरी राहुल के साथ बहुत अच्छी दोस्ती भी है, लेकिन आज रोहित ही मेरे लिए सब कुछ है। यानी साक्षी, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि किस घर में तुम्हारी रिश्ते की बात चलाई जा रही है? हाँ, मुझे पता है, और इस रिश्ते की पहल भी रोहित की वजह से ही की गई है। और भाभी,
मुझे इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं। ठीक है, मुझे मालूम है कि जगबीर जी से कैसे बात करनी है। नहीं, तुम बात जिस तरह करती हो ना, वो चुपती है। है ना आपको अपने इस तौर तरीकों पर भाई जी, आपको अगर खून के आंसू ना रुला दिए ना तो मेरा नाम भी स्नेहा नहीं। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूं। क्या सोच रहे हो चाची? कुछ नहीं चाची, मैंने सुना है कि सुबह घर में कुछ हंगामा हुआ है। ऐसी क्या बात हो गई चाची? अरे सुबह घर में रोहित और साक्षी के रिश्ते की बात हो रही थी, तो मैंने उनको बस सिर्फ इतना कहा कि जिस घर में हमारी बेटी गई है उस घर की बेटी लाने क्या मतलब बनता है। बस किसी को मेरी बात ही पसंद नहीं आई। फैसला तो साक्षी को लेना है और मुझे लगता है कि ये शादी नहीं होगी चाची। क्यों दिव्या, ऐसे क्यों तुम कह रही हो? इसलिए कि कुछ ऐसी सच्चाई है जो सिर्फ मैं जानती हूँ और कोई नहीं जानता, और वो सच्चाई शायद इस रिश्ते की आड़े जरूर आएगी। ऐसी क्या बात है दिव्या, ये तो तुम्हारे से उगलवाना ही पड़ेगा। हम सबके रास्ते में रुकावट खड़ी करने की कोशिश तो जरूर करेगी। सबूत तलाशने के लिए जितने भी रास्ते हैं वो उन हर रास्तों को खंगालने की कोशिश करेगी, और उसकी मंसूबे हम सबको तो पता ही है ना। लेकिन मैम, सर क्या कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, जबकि उनको पता है कि वो छुपके से हमारे सारे फोन टैप करवा रही है। लेंगे डॉली, जरूर लेंगे, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि एक्शन लेने के बावजूद भी वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सवाल पूछे जाएंगे और वो हर सवाल का जवाब लिखकर भेज देगी। अरे वो कलेक्टर है, उसको अपना अधिकार है। कलेक्टर है इसका मतलब ये तो नहीं कि वो कुछ भी करती रहेगी और हम हाथ पे हाथ रख के यूं ही बैठ के देखेंगे। तुम नहीं समझोगे डॉली, जो बात अभी तक छुपी हुई है आवाज उठाने से वो बाहर निकल कर आ जाएगी, और जो खेल हम खेलना चाहते हैं उसके लिए पिछली बातों का छुपा रहना बहुत जरूरी है। नमस्ते मैडम। हाँ हाँ आओ माधव, अर्जुन को तो जमाल के ऑफिस तक पहुंचा दिया ना। हाँ, हमारा तीर बिल्कुल निशाने पर बैठा है। जमाल ने अर्जुन को इस बात का यकीन दिला दिया है कि राकेश की बर्बादी के कारण खुद मानस और रितिका है। ये तो बहुत अच्छा हुआ माधव, बहुत अच्छा है ये।
अब ये समझ लीजिए कि ये बात अर्जुन के दिमाग में पत्थर की लकीर बनकर रह गई है। अब इसे कोई मिटा नहीं सकता है। उसका अंजाम बहुत जल्द सामने आएगा। बस हमें तो उसी दिन का इंतजार है, लेकिन हाँ, इस काम में देर नहीं होनी चाहिए। अर्जुन से जो भी काम करवाना है ना, फटाफट करवा लो। लेकिन हाँ, होना वही चाहिए जो हम लोगों ने सोचा है। इस बात को तो हम सब जानते ही हैं कि रितिका ने ये बात ठान ली है कि वो राकेश को बेगुनाह साबित करके रहेगी। अगर किसी तरह से ये बात सामने आती है तो अर्जुन यानी राकेश को ये बात समझने में वक्त नहीं लगेगा कि रितिका आज भी राकेश के वफादार है। इसीलिए वो रितिका के ऊपर कोई भी उंगली उठाना ही नहीं चाहते। रितिका फोन टेप करवा रही है और वो खामोश बैठे हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर इंक्वायरी हुई तो मीडिया में ये बात सामने जरूर आएगी कि रितिका राकेश को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रही है। और हाँ, ये बात अर्जुन के कान में भी जरूर जाएगी। इसीलिए हम सबका खामोश रहना बहुत जरूरी है। और हाँ, अर्जुन के ऊपर कड़ी नजर रखना भी बहुत जरूरी है। उसके ऊपर तुम लोग नजर रखो। धागे से बंधा इसमें संसार है, पिया का